बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं मानती हूँ बिल्कुल मानती हूँ। प्रधानमंत्री ने कड़ी निंदा भी की है, साथ ही कोई सरकार या राज्य सरकार नहीं चाहेगी कि किसी के साथ भी ऐसा अमानवीय घटना हो। मैं मानती हूँ, यहाँ जितने हमारे साथ पैनल में लोग बैठे हैं वो भी मानते हैं, लेकिन अब सवाल यहाँ ये है कि आप मानते सब है, हम सब मानते हैं, लेकिन इतना बढ़ावा कैसे मिल गया? आप आग लगा रहे थे घरों में, आप आग लगा रहे थे घरों में, आप लोगों को पीट रहे थे, मारा मारी तक बात ठीक थी, आप बंदूकें चला रहे थे वहां तक भी ठीक थी, क्योंकि उस सेना के जवान वहां मौजूद हैं, वो हैंडल कर लेंगे। आपने महिलाओं को टारगेट कर दिया, आपको ऐसा लगा कि अब बस यही रास्ता है कि आप इतनी छूट आपको मिल गई कि आप महिलाओं को नंगा करके दौड़ाने लग गए सड़क पर। इसे कौन माफ करेगा? इसे कोई नहीं माफ करेगा, ना तो राज्य सरकार को कोई माफ करेगी, और ना ही इस वक्त जिस तरीके का अभी हाव भाव आप खुद देख रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बोलिए महेश जी। देखिए प्रीति जी, इसमें जिस तरह की कार्रवाई हुई है और जिस तरह से इसमें कार्रवाई की जाएगी वो रूह कपा देने वाली होगी। अब तक इस देश में इस तरह की कार्रवाई जो है कभी नहीं हुई होगी, जो इस बार इसको लेकर प्रधानमंत्री ने जिस दृढ़ता के साथ ये बात रखी है। और आपके चीफ मिनिस्टर कह रहे पहली घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है। एक निजी टेलीविजन के इंटरव्यू में वो कह रहे थे ये पहली घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है। कब तक आप अपनी जो है पीठ थपथपाएंगे? सरकार को कब तक आप कहेंगे अमृत महोत्सव चल रहा है? देश के अंदर क्या हालात बने हुए हैं आपको कोई सुन ले नहीं, और अभी भी आपने अपने चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं मांगा। अच्छा, एक सेकंड, अच्छा एक एक करके स्टार्टिंग वाला हम एक एक करके आप लोग बोल लीजिए, आपको भी मैं मौका दूंगी। अच्छा आपको भी मैं मौका दूंगी। अब सैयद जवाद प्लीज अपनी भावनाओं पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिए, अभी डिबेट है, लोग देख रहे हैं, थोड़ा सा नियंत्रण रखिए।